एक आदमी जो बोनो के आइलैंड में फंस गया था जहां वो था जायंट। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है गुलिवर नाम का आदमी एक ऑफिस में काम कर रहा था। वो एक आदमी का इंटरव्यू ले रहा था, वो फालतू क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन उसे पता चलता है वो पहले से सिलेक्टेड है और ना चाहते हुए भी गुलिवर उसे ऑफिस दिखाता है। गुलिवर डार्सी नाम की लड़की को प्यार करता था लेकिन वो उससे कभी कह नहीं पाता था। वो आदमी समझ जाता है, वो उसे मौका भी देता है लिफ्ट में, लेकिन गुलिवर फिर भी कुछ नहीं कर पाता। वो ऑफिस में मौज करता था, गेम खेलता था, केयर फ्री रहता था। तभी वो आदमी आता और कहता है मेरा प्रमोशन हो गया। गुलिवर हैरान होता है। आदमी कहता है तुम्हारे केयर फ्री होने की वजह से ना तुम्हारे पास डार्सी है ना प्रमोशन, और अब मैं तुम्हारा बॉस हूँ। गुलिवर के ईगो पे बात लग जाती है, वो डार्सी से बात करने लगता है, ट्रैवलिंग का पोस्टर उठाता है। डार्सी को ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट था, वो पूछती है तुम्हें ट्रैवलिंग पसंद है। गुलिवर भी जोश में कह देता है और वो कहता है वो बहुत जगह घूम रखा है। डार्सी कहती है तुम्हें अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस के बारे में कुछ लिखना चाहिए। और रात में गुलिवर लिखने की कोशिश करता है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या लिखे। उसने जोश जोश में बस ऐसे ही बोल दिया था। वो इंटरनेट से बहुत सारे आर्टिकल्स कट कॉपी पेस्ट करता है और डार्सी को आर्टिकल पसंद आता है। वो उसे बर्म्यूडा ट्रायंगल घूमने के लिए कहती है। गुलिवर हाँ कर देता है और वो जाता है। बोट वाला उसे इंस्ट्रक्शन देता है और मैप फॉलो करने के लिए कहता है, लेकिन गुलिवर हमारा बोट में सो जाता है। और जब वो उठता है वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है और बहुत सारे छोटे लोग उसके ऊपर चढ़ रखे थे। उसे अजीब लगता है, बोने डरे हुए थे कहीं ये हम पे हमला तो नहीं करने आया। और वो उसे किंग के पास ले जाते हैं। गुलिवर उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन किंग उसे जेल में डलवा देता है। गुलिवर को एक बड़े हॉल में डाला गया था जहां हॉराइटस नाम का आदमी उससे बात करता है। वो भी गुलिवर के सामने बहुत छोटा था। तभी उन दोनों को एक दूसरे से बात करके अच्छा लगता है। हॉराइटस बताता है वो प्रिंसेस से प्यार करता है लेकिन जनरल प्रिंसेस से शादी करने वाला है, तभी उसने मुझे जेल में डलवा दिया। गुलिवर को हॉराइटस के लिए बुरा लगता है और बाद में जनरल गुलिवर से बहुत काम करवाता है। लेकिन बाद में उस राज्य में दुश्मन राज्य अटैक करता है, महल में आग लगती है। गुलिवर प्रिंसेस को बचाता है, टॉयलेट करके आग बुझाता है। जनरल उसे जलाने लगता है। किंग गुलिवर से खुश होता है, गुलिवर हॉराइटस को आजाद करने के लिए कहता है। किंग मान जाता है और खाने के टाइम में गुलिवर बड़ी बड़ी बातें करता है। बाद में गुलिवर हॉराइटस को भी टिप देता है प्रिंसेस को इंप्रेस करने की। वो अपनी सारी ट्रिक्स बताता है जो वो खुद करता था, लेकिन तब भी प्रिंसेस हॉराइटस से इंप्रेस हो जाती है। वो जनरल गुलिवर को बहुत ढूंढता है ताकि गुलिवर जल्दी यहाँ से जा सके। और गुलिवर को उसका फ़ोन मिलता है, उसमें डार्सी का वॉइस मैसेज था कि वो उससे मिलने आ रही है। गुलिवर खुश होता है। बाद में गुलिवर बहुत बढ़िया लाइफ जी रहा था। राजा उसे घर देता है उसके साइज के हिसाब से। गुलिवर पहले की तरह एंजॉय कर रहा था। तभी दूसरे राज्य के लोग वापस हमला करने आते हैं। हॉराइटस उसे बताता है कि दूसरे राज्य ने हमला कर दिया है और राजा ने तुम्हें जनरल बनाया है। गुलिवर मान जाता है, वो दुश्मन राज्य को समझाने की कोशिश करता है लेकिन उस पे तोपों से हमला होता है। गुलिवर को फर्क नहीं पड़ता उसके बड़े साइज की वजह से। और बाद में वो सारी शिप्स को दूर ले जाता है और वो वापस आराम की जिंदगी जीता है। राजा और खुश होता है, जनरल को अच्छा नहीं लगता। वो दुश्मन के राज्य से हाथ मिला लेता है और उसे गुलिवर की शिप में एक रोबोट बनाने का ब्लूप्रिंट मिलता है। वो रोबोट बनाता है और रोबोट में बैठ के वापस राज्य पे हमला करता है जिससे गुलिवर बहुत मार खाता है। वो सच बताता है कि वो डरपोक है और जनरल उसे बांध के नदी में फेंक देता है। गुलिवर को लगता है वो बच गया है लेकिन इस बार वो जायंट लोगों के आइलैंड में आ गया था। वहाँ एक लड़की गुलिवर को पकड़ के उसे डॉल की तरह डॉल हाउस में रखती है। हॉराइटस आता है और बताता है उसे जल्दी वापस आना होगा। डार्सी आई थी, जनरल उसे भी पकड़ के ले गया और प्रिंसेस किंग सबको बंदी बना लिया है और तुम ही बचा सकते हो। गुलिवर जाता है और रोबोट से फाइट करता है। वो वापस पिटता है लेकिन हॉराइटस एंड टाइम पे कुछ वायर्स काट देता है जिससे गुलिवर जीत जाता है और प्रिंसेस जनरल से शादी तोड़ती है और गुलिवर डार्सी से मिलता है और खुश होता है। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।